ओम शांति। बाप जब तक ना आए सत्य पहचान ना दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं है, इसलिए वह भी रोंग हो जाता है। ये सब समझने की बहुत महीन बातें है ना, महीन बातें है ना। कोई सोचे ये तो बहुत अच्छे संकल्प करते हैं, इनको तो भगवान ही चाहिए, ये भगवान के लिए ही संकल्प करते हैं, लेकिन उन्हें यथार्थ पहचान नहीं है। तो रॉन्ग और राइट की प्रॉपर समझ नहीं है। और जब तक बाबा को नहीं पहचाना है और जब तक बाबा नहीं आता है, तो रॉन्ग और राइट की समझ नहीं मिलती, इसीलिए हर संकल्प विकल्प बन जाता है। और अगर आज हमें ये समझ में आ गया, तो हम ये समझ पाएंगे कि बाबा की यथार्थ पहचान कितनी जरूरी है, जिससे ही कर्म सुकर्म बनेंगे। कहीं कहते हैं ना, ये तो बहुत अच्छी पुण्य आत्माएं हैं, ये तो महान आत्माएं हैं, किसी कई बार ऐसे देखते हुए बोल देते हैं, ये तो महान आत्माएं, ये तो बहुत पुण्य है, ये तो हमसे भी बड़े आगे हैं। ज्ञान को जानकर पहचान कर आप ऐसा नहीं कह सकते। कई बार हमने सुना हुआ है किनके कोई बच्चे होंगे ना, अरे ये तो ज्ञानी से भी होशियार हैं, इनको तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, इनको तो ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत महान है। तो जिसको भगवान की पहचान नहीं, उसका हर कर्म विकर्म बन रहा है, उसका कारण ही है क्योंकि वो हर कर्म को 5 विकारों के वशीभूत होके कर रहा है। हमें पहचान दी है रोंग और राइट की, अगर हम करते हैं ऐसा तो 100 गुना दंड मिलता है, मालूम है ना। तो अगर आप समझ से करते हो तो वो कर्म सुकर्म बन जाता है और आप महान आत्मा बनते हो। तो फर्क समझने की जरूरत है। जिस दिन ये फर्क समझ में आएगा, तो आप ये कंट्रास्ट लगा पाएंगे कि ज्ञानी तो आत्मा क्या है और भक्त आत्मा क्या है, और उनका कर्म किस तरह से वो विकल्प बन जाते हैं, लेकिन महान आत्मा उस तरह से नहीं कहे जाते क्योंकि सत्य और असत्य की पहचान नहीं है। क्लियर? ओम शांति।